स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। एक मई 2022 रोज़ दी तरह सूरज दियां सुनहरियां किरणा गंगा माई दे पवित्र जल नूं छूंदियां हुईयां बेलूर मठ दे छतर ते चमक रहियां सन। रामकृष्ण मिशन दे 125 सालां दी यात्रा नूं वगदी गंगा दियां लहरां गवाही दे रहियां सन, जिवें कि मिशन ने इतिहासिक गंतव नूं हासिल कर लिता होवे। असी स्वामी विवेकानंद दे रूहानी शब्दां नूं याद करते हाँ कि बेलूर मठ दा आध्यात्मिक प्रभाव 1500 सालां तक रहेगा। श्री रामकृष्ण जी ने नरेन नूं बड़े प्रेम नाल कहा सी कि वह अपने प्यारे शिष्य दे नाल किते भी जान नूं राजी हन। अपनी इच्छा अनुसार जिथे भी तुसी खुशी नाल मैनूं लै जावोगे, मैं उत्थे जरूर चलांगा ते उत्थे रहांगा। 27 फरवरी 1898 स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण जी दियां पवित्र अस्थियां नीलांबर मुखर्जी दे बगीचे वाले घर तों पूर्व निर्धारित स्थान बेलूर मठ लैके गए। यह स्थान गंगा जी दे पश्चिमी किनारे ते अति दक्षिणेश्वर मंदिर तों विकरणीय सी। दिसंबर 9, 1898 नूं रामकृष्ण मठ ते मिशन इस जगह ते प्रस्तावित रूप नाल शिफ्ट कर दिते गए। रामकृष्ण मठ अते मिशन दे शाखा केंद्र दुनिया भर दे लगभग 24 देशां विच हन अते उन्हां सारयां दे कार्जां दा संचालन बेलूर मठ तों ही कीता जांदा है। 256 शाखावां विच 119 मठ ते 137 मिशन केंद्र श्री रामकृष्ण जी दियां सिक्ख्यावां दा प्रचार कर रहे हन। भारत विच 191 शाखावां 27 राज्यां अते केंद्र प्रशासित प्रदेशां विच अपने कई सेवा प्रोजेक्टां करके प्रसिद्ध हन। एक साधु दा मुख उद्देश्य आत्म समीखन नाल मोख प्राप्त करना है। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु दे विचार नाल प्रभावित होके संन्यास दी प्रचलित विचारधारा नूं संगठित सेवा दे नाल जोड़ दिता। एक सन्यासी दा जीवन लोकां दी खुशी लई है, बहुजन हिताए बहुजन सुखाए। ऐस लई सन्यास दी इस नवी विचारधारा दा उद्देश आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, पा अपना मोख अते जगत वास्ते हित कर सेवा। एह गल नरेंद्र नाथ ने सब तों पहला श्री रामकृष्ण जी तों सुनी कि ब्रह्म जा रब संसार विच अते संसार दे प्रत्येक मनुख विच वसदा है। ब्रह्म ते कीट परमाणु सर्वभूते सेई प्रेममय मन प्राण शरीर अर्पण करो सखे ए सबार पाय बहुरूपे सम्मुखे तोमा छाड़ी कथा खुजिच ईश्वर जीवे प्रेम करे जे जन प्रत्येक मनुख सारे जीवां दी रब समझ के सेवा कर सकदा है। शिव ज्ञाने जीव सेवा। स्वामी विवेकानंद जी दे व्यवहारिक विदांत दा निचोड़ इन्हां पंक्तियां दे विच समाहित है। ओ चाहुंदे सन कि उन्हां दे सन्यासी साधु इस विचार दे आधार ते अपने हर कम नूं करन। श्री रामकृष्ण जी सदा आखदे सन के कलयुग दी सब तों वड्डी तपस्या सच्चाई है। उन्हां वांग ही स्वामी विवेकानंद जी आखदे सन, सच्चाई लई सब कुछ कुर्बान कीता जा सकता है, पर किसी लई सच्चाई नूं कुर्बान नहीं कीता जा सकता। सच दी खोज अते उसदे आदर्श लई गुरु अते शिष्य कई वारी
गैर रवायती राह भी चुनते सन। इस संबंधी श्री रामकृष्ण जी के बचपन तो एक उदाहरण लिया जा सकता है। बचपन विच गदाधर ने अपनी दाई तानी कुमारनी नू वचन दिता सी कि वह अपने जनेऊ संस्कार वेले सब तो पहली भिक्षा उन्हां तो ही लेंगे। 186 साल पहले एक ब्राह्मण बालक दा किसी नीवी जात दी इस्त्री कोलों भिक्षा लैन दी गल कोई सोच भी नहीं सकदा सी। उस समय दे अनुसार स्वाभाविक सी कि सब ने इस दा विरोध कीता, पर 9 सालां दे इस बालक ने तानी नू दित्ते अपने वचन नू पूरे करन लई सब नू मना लिया। 200 साल पुराने रूढ़ीवादी समाज नू एक 9 साल दे बालक अगे हार मननी पई। श्री रामकृष्ण जी दी साधना ने ए साबित कर दिता, जिन्ने मत उन्ने पथ। श्री रामकृष्ण जी दा जीवन सारियां जातां धर्मां अते संप्रदायां ते भेदभावां तो उत्ते ले जांदा है। श्री रामकृष्ण जी सदा आखदे सन कि सारे धर्मां दा परम उद्देश है आत्म दर्शन अते सच दे वखरे पहलुआं दी खोज करना। नरेंद्र नाथ दे बचपन दे अनेक उदाहरण भी उन्हां दी सच दी खोज ते प्रकाश पाउंदे हन। रोज़ बहुत सारे लोग उन्हां दे वकील पिता जी विश्वनाथ दत्त नूं मिलन आउंदे सन। उन्हां दे घर विच हर एक नूं वखरा हुक्का उन्हां दे धर्म ते जात दे मुताबिक दित्ता जांदा सी। नरेंद्र नाथ बहुत उत्सुक सी कि जेकर एक बंदे दा हुक्का दूजा बंदा वरत लैंदा है तां कि कोई दुर्भागपूर्ण घटना घट जाएगी। एक दिन उन्हां ने सारे हुक्कियां नूं एक एक करके अजमाया ते ओह खोज के बहुत संतुष्ट होए कि इस कारण नाल कुछ भी दुर्घटना नहीं वापरी सी। स्वामी विवेकानंद लई सब तो महत्वपूर्ण यह खोज सी कि रब दी होंद ते निर्धारित मनुख विच वसदी दैविक शक्ति है जिहड़ी सबनू एकता दे सूत्र विच पिरोंदी है। रामकृष्ण मिशन इसे आदर्श ते ही आधारित है। इस लई यह आध्यात्मिक संस्था जात पात धर्म ते रंग भेद तो उपर उठ के कम करन च विश्वास करदी है। रामकृष्ण मिशन दा उद्देश लोकां नूं जीवन दा परम लक्ष आत्म दर्शन प्राप्त करान लई सहायता करना है अते मिशन लोकां दियां शारीरिक मानसिक बौद्धिक अते आध्यात्मिक विकास लई समर्पित है। लाइक इन साउथ अफ्रीका, इन फीजी, इन मॉरिशियस, श्रीलंका, बांग्लादेश, मेनी कंट्रीज इन विच द रामकृष्ण मिशन इज एक्टिव वेयर बोथ आर डन। दक्षिणी अफ्रीका, फिजी, मॉरिशियस, श्रीलंका अते बंगलादेश वर्गे देशां विच दो तरह दियां सेवावां दित्तियां जांदियां। भारत दे पुरातन अध्यात्मिक बुद्धिमता दे अनुसार ज्ञान दित्ता जांदा है। इस दे नाल ही शैक्षणिक सेवावां, चिकित्सा सेवावां अते गरीबी दूर करन दे प्रोग्रामां ते भी जोर दित्ता जांदा है। दूजे पासे अमरीका विच धार्मिक सिख्यावां ते ज्यादा जोर दित्ता जांदा है। वेदांता अते योग सिद्धांत की सिखावां भी दित्ती जांदी है। उत्थे दे लोकां नूं एहो जिही सेवावां दी ज्यादा लोड़ है। श्री रामकृष्ण जी ने अपनी संसारिक लीला नूं 1886 विच विराम दे दित्ता, जिस दे बाद स्वामी विवेकानंद जी 5 सालां तक भारत विच भ्रमण करदे रहे, कदी रेल गड्डी विच ते कदी पैदल। इस दौरान कई वारी उन्हां नूं भुखे भी रहना पिया ते कई वारी राजसी भोजन भी मिले। इन्हां यात्रावां ने उन्हां नूं भारत दियां कमजोरियां अते ताकतां बारे जानन दा अवसर दिता। उन्हां ने महसूस किया कि देश की अनेकता के पिछे धार्मिक दृष्टिकोण एक ही है। 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो च धर्म संसद विच अपना पहला भाषण दिता। इस भाषण के सार्वभौमिक भाव ने पूरी तरह दर्शकों का मन मोह लिया, जिस कारण उन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उस रात वह सो ना सके। आलिशान कमरे दे नरम बिस्तरे नूं छड़ के अपने गरीबी तों त्रस्त भारतवासियों बारे सोच के फर्श ते लेटे सारी रात रोंदे रहे।
स्वामी जी ने महसूस किया कि जदों तक लोगों नू आत्मनिर्भर बनन दी प्रेरणा नहीं दिती जाएगी तदों तक सारे संसार दा तन भी उन्हां दी कोई सहायता नहीं कर सकता अते किसी भी देश नू अग्गे वधान लई सिर्फ शिक्षा दी लोड़ है। उन्हां दे अनुसार पश्चिम दे भौतिक ज्ञान ते वेदांत नू रला के शिक्षा दित्ती जानी चाहीदी है। ओ चाहुंदे सन कि सबनू शिक्षा दे समान अवसर मिलने चाहीदे हन। अज मानयोग विश्वविद्यालयां दे नाल रामकृष्ण मिशन दे 540 स्कूल ते कॉलेज 1056 रात्री स्कूल नॉन फॉर्मल स्कूल अते कोचिंग केंद्र हन। स्वामी विवेकानंद ने पैन निवेदिता नू भारतीय स्त्रियों नू पश्चिम दियां स्त्रियों दे बराबर लियान दा बीड़ा उठान नू कहा सी। रामकृष्ण मठ अते मिशन ने इस कम नू अग्गे वधांदे होए अनेकां कुड़ियां नू शैक्षणिक संस्थानां विच दाखिले दवाए। 2020-21 दे दौरान रामकृष्णा संस्थानां विच मुंडियां दी कुल संख्या 83,331 सी ते कुड़ियां दी कुल संख्या 50,220 सी। इन्हां संस्थावां नू चलाउण लई 2021 विच कुल खर्चा 452 करोड़ सी। इस तों अलावा मठ अते मिशन ने लगातार अनेकां वर्कशॉप तकनीकी ट्रेनिंग प्रोग्राम अते सैमीनार करवाए जिन्हां दा लाभ हज़ारां लोकां ने प्राप्त किया। रामकृष्ण मठ अते मिशन ने कई छोटे शहरां कबीलियाई इलाकियां अते पिंडां विच भी शिक्षा दा प्रसार किया। It was a time when Ramakrishna Mission sadhus approached them to provide them education, provide them health. Ek samasi jadon Ramakrishna Mission de sadhuan nu vekh ke adivasi bach jande san, oh log kisi bhi kisam di sahayata, paave oh shiksha ja sehat sambandhi sahayata hove, oh baharle lokan ton lain layi tayar nahi san. Hun 50 saal di seva de baad sadhuan nu ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੈਕਸ਼ਨਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਕਰਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ रामकृष्ण मिशन दे बिना एहो जी तरक्की कदी भी हासिल नहीं कर सकता सी। रामकृष्ण मिशन दे 15 केंद्र मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय अते त्रिपुरा दे आदिवासी लोकां नू समर्पित हन। स्वामी विवेकानंद जी दा प्रकाश सारी दुनिया विच फैल चुकिया है। अज कोई भी जदों बेलूर मठ दे द्वार दे अंदर प्रवेश करदा है ओहदे सज्जे हथ बहुत ही शानदार इमारत दिसदी है। यह रामकृष्ण मठ अते मिशन दा हैडक्वार्टर है जेड़ा सारी दुनिया विच फैलियां शाखावां अते उन्हां दियां गतिविधियां दा नाड़ी केंद्र है। इस संगठन दी अध्यक्षता प्रेजिडेंट महाराज करदे हन अते प्रशासनिक कार्जां दा संचालन जनरल सेक्रेटरी महाराज अते ट्रस्टी बोर्ड दी देख रेख च संभालिया जाउंदा है। श्री रामकृष्ण जी दी निगरानी हेठ तैयार होए एक युवा शिष्यावां दे समूह ने श्री रामकृष्ण जी दे संदेशां नू दुनिया विच फैलाउण दी जिम्मेवारी लई अते उन्हां दी अथक मेहनत करके रामकृष्ण संघ दी स्थापना हुई। दक्षिणेश्वर काली मंदिर विच रामकृष्ण मठ अते मिशन दी स्थापना दे बीज बोए गए सन। उन्हां दी योजना श्यामपुकुर अते काशीपुर विच हौले हौले स्पष्ट रूप लैण लग पई। 11 दिसंबर 1885 श्री रामकृष्ण जी दे मुख शिष्य उन्हां दी सेवा करन लई उन्हां दे नाल रहन पहुँच गए। श्री रामकृष्ण जी ने उन्हां विच वैराग दी अग्नि प्रज्वलित करके परम सत दी प्राप्ति लई तृष्णा जगाई। एक दिन उन्हां ने भविष्य च साधु होण वाले अपने 11 शिष्यावां नू गेरुए वस्त्र ते रुद्राक्ष दियां माला पेंट कीतियां। श्री रामकृष्ण जी ने नरेंद्रनाथ नू भविष्यम भावी संघ दा नायक बन के सारी जिम्मेदारी लैण लई तैयार कीता अते
अपनिया सारियां दैविक शक्तियां दा संचार उन्होंने नरेंद्र नाथ दे विच कर दिता। इस दे बाद श्री रामकृष्ण जी ने उन्होंने बड़े प्रेम नाल कहा, अज तैनू अपना सब कुछ दे के मैं फकीर बन गया हाँ। इस शक्ति का प्रयोग करके तू सारी दुनिया का कल्याण करेगा। श्री रामकृष्ण जी की महासमाधि के बाद नवा उभरदा हुआ काशीपुर का आश्रम बंद हो गया अते उन्हां दे सारे शिष्यावां नू काशीपुर के बगीचे वाले घर नू छड़ना पिया। श्री रामकृष्ण जी ने सुरेंद्र नाथ मित्तर नू आदेश दिता कि वह नरेंद्र नाथ अते बाकी शिष्यावां दे लई कलकत्ते दे कोल किराए दे मकान दा प्रबंध करन जिथे कि वह सारे आश्रम वर्गा सन्यासी जीवन जी सकन। बलराम बोस अते गिरीश चंद्र घोष ने अगे वध के पैसिया नाल सहायता की। तारक नाथ अते वड्डा गोपाल सब तो पहला इस मठ विच आए सन। उन्हां दे मगर मगर नरेंद्र, राखाल, काली प्रसाद, शरद, शशि, निरंजन, बाबू राम, सुबोध भी आ गए। जनवरी 1887 बड़ा नगर मठ विच नरेंद्र अते नौ शिष्यावां ने औपचारिक तौर ते संन्यास धारण किया। इस नवे मठ विच सारे साधुओं ने कठिन जप, साधना पाठ अते प्रार्थनावां कीतियां। ये साधु पूरे दिन अते कई बार देर रात तक भी साधना अते ध्यान करते सन। जो कुछ भी मिल जाता सी उसे ते ही गुजारा कर लेंदे सन। कई बारी निम दे पत्ते ते उबले चौल खांदे सन ते कई बारी वह भी नहीं मिलते सन। पर उन्हां लई ए औखियां कुछ भी नहीं सन। वह तो केवल अपने गुरु के आदर्श प्रति श्रद्धा अते रूहानी प्रेम विच सराबोर होके रहिंदे सन। श्री रामकृष्ण जी दे जन्म दिवस 29 फरवरी 1892 तो कुछ दिन पहला ही बड़ा नगर मठ छड के वो सारे आलम बाजार चले गए। उन्हां दिनां च स्वामी विवेकानंद परिव्राजक होके गुजरात विच भ्रमण कर रहे सन। स्वामी जी अमरीका तो अपने साधु भरावां नू अनेक पत्थर लिखदे सन अते गरीबां अते दीन दुखियां नू सहारा देन दी प्रेरणा देंदे सन। उन्होंने अपने भाई साधुओं नू आख्या कि पहले वो गरीबां नू रोटी देन अते बाद विच ऐसी शिक्षा देन जिस दे नाल वो अपने पैरां ते खड़े होके दूजियां दी सहायता करन दे लायक बन सकन। स्वामी विवेकानंद नू अमरीका विच क्रांतिकारी साधु दे नाम दा संबोधन दिता गया। उन्होंने अमरीका दे लोकां नू वेदांतिक अध्यात्म नाल जगाया अते अपने पत्रां राही अपने साथी साधुओं नू भारत विच व्यवहारिक वेदांत नू फैलाण लई अते सेवा करन लई प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद ने मुंबई तो अमरीका लई 31 मई 1893 नू समुद्री यात्रा आरंभ की। उन्होंने ना सिर्फ साधुओं नू बल्कि श्रद्धालुओं नू भी संगठन के सुचारू संचालन लई प्रभार कारज सौंपे। उन्होंने राखाल जिन्हां नू असी स्वामी ब्रह्मानंद दे नां तो भी जानते हाँ उन्हां नू कलकत्ते दे कोल मठ दे स्थाई निर्माण लई जमीन दा प्रबंध करन लई कहा। स्वामी जी कलकत्ते विच स्थाई मठ दे निर्माण दे नाल नाल मद्रास विच भी एक मठ की स्थापना करना चाहुंदे सन। उन्होंने अपने शिष्य आलासिंगा पेरुमल नू इस दे वास्ते जमीन लब्बन लई पत्र लिखिया अते शशि महाराज नू नवे आश्रम की स्थापना की संभावना परखन लई मद्रास भेजिया। कम्युनिटी डाइनिंग इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट color or creed on special days like Sri Ramakrishna's birthday he himself would sit among all the common people swami ramakrishna nanji ne jaat paat to pare ral mil ke bhandare vich khan di pratha aarambh kiti Sri Ramakrishna ji de janam din ate hor vishesh dinan de mauke te oh bina bhed paav de sadharan lokan nar narayan da roop man ke सब दे नाल बैह के लंगर छकदे सन। यह दक्खन भारत के लोगों लई पहली बार सी कि स्वामी रामकृष्णनंद जी वर्गे आध्यात्मिक गुरु इन्ने खुले दिल नाल उन्हां दे विच बैह के भोजन कर रहे हैं। स्वामी जी ने दक्खन विच जात पात के बंधना नूं तोड़ के
सारे लोगों को श्री रामकृष्ण जी की उदार सिख्यावां दे एक सूत्र विच पिओ। स्वामी जी का विचार सी कि मठ शुद्धता दे प्रतीक होंगे जो कि मनुखदा ते मजबूत चरित्र दे निर्माण लई मुख रूप नाल काम करनगे। उन्हां दा विचार सी अपने ते विश्वास रखो, सारी शक्ति आप जी दे अंदर ही है, चेतन हो के उस शक्ति नू पहचानो अते प्रगट करो। स्वामी जी नू अपने साथी साधुआं ते पूरा भरोसा सी कि ओ उन्हां दे संदेश अते कारज नू अगे लैके जानगे। उन्होंने अपने साथी साधुओं नू अनुशासन, दूरदर्शिता अते हमेशा सच्चाई नाल कम करन दी प्रेरणा दित्ती। उन्हां दे अपने साथी साधुओं अते शिष्यां लई प्रेम दा नतीजा है कि असी अज दे मठ अते मिशन दा इह स्वरूप देख रहे हां। दोनों संगठन मठ अते मिशन दैविक साधन बन के सारे अध्यात्मिक अते मानवता वाले कम्मां लई वध तो वध श्रद्धा अते ईमानदारी नाल काम कर रहे हन। श्री रामकृष्ण जी दी समाधि तो बाद श्री श्री शारदा मां युवा साधुआं लई प्रेरणा दा स्रोत बन गए। सारे युवा साधु ठाकुर जी दी सिख्यावां बारे श्री मां दे नाल चर्चा करदे सन अते प्रेरणा लैंदे सन। श्री मां जगतगुरु माता दा प्रतीक हन। स्वामी जी दा 19 फरवरी 1897 नूं अमरीका तो कलकत्ते पहुँचन ते शानदार स्वागत कीता गया। इस तो कुछ दिन मगरों ओ श्री मां नूं मिलन गए। उन्हां ने मां नूं कहा कि ओ ठाकुर जी दी सिख्यावां दे प्रचार लई संघ दी स्थापना विच हो रही देरी दे कारण दुखी हन। गुरु मां ने उत्तर दिता कि ठाकुर जी छेती ही उन्हां नूं ठीक रस्ता दिखाउणगे। उन्हां दी ए साधारण जिही गल ने स्वामी जी दे मन नूं बहुत शांति दित्ती। भारत वापिस आउंदे ही स्वामी जी ने अपने साथी साधुआं नाल मीटिंग कीती। मीटिंग 1 मई 1897 नूं बलराम बोस दे बाग बाज़ार वाले घर विच होई। उत्थे स्वामी जी ने मिशन दे उद्देश दे बारे चर्चा करदे होए कहा, ए मठ अते मिशन श्री रामकृष्ण जी दे दिव्यता दे संदेश नूं मानवता विच पहुंचाणगे अते ए सिखाणगे कि कर्म द्वारा दिव्यता नूं किवें प्राप्त कीता जा सकता है। 5 मई दी मीटिंग विच उन्हां ने संगठन दा नवा नाम रामकृष्ण मिशन एसोसीएशन रख्या। स्वामी जी इस दे प्रेजिडेंट बने अते 4 सालां लई स्वामी ब्रह्मानंद जी नूं कलकत्ता मठ दा प्रेजिडेंट चुनिया गया। 4 मई 1909 नूं रामकृष्ण मठ दा पंजीकरण कीता गया। मठ अते मिशन दी स्थापना तो पहला ही साधुआं दे विच समाज दी सेवा लई रुझान सी। ए सारे शिष्य ठाकुर जी दे आखरी दिनां विच उन्हां दी सेवा करन दे नाल नाल आपस विच एक दूसरे दे परिवारां दी सहायता करदे सन, जिस करके उन्हां दे अंदर सेवा भावना दा बीज अंकुरित हो गया सी। स्वामी अखंडानंद जी ने सब तों वध के स्वामी विवेकानंद जी दी सिख्या अनुसार दरिद्र नारायण दी सेवा करन विच कोई कसर नहीं छड्डी। जदों स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन दी स्थापना कीती, उस वेले स्वामी अखंडानंद जी मुर्शिदाबाद जिले विच यात्रा कर रहे सन। उस वेले मुर्शिदाबाद जिले विच बहुत भयंकर अकाल अते भुखमरी फैली हुई सी। लोकां दे दुख दर्द नूं देख के स्वामी अखंडानंद जी बहुत पीड़ित होए। इसे करके वह बहरामपुर तो 10 किलोमीटर दूर मेहुला पिंड विच टिक गए, जिथे दे लोग बुरी तरह अकाल तो प्रभावित सन। कुछ ही दिनों दे अंदर साधु बिराल पिंड विच राहत कार्य कराने ले ही पहुँच गए। बाढ़ग्रस्त दक्षिणेश्वर पिंड दे लोकां नूं चौल, रसद अते होर समान भी पहुँचाया गया। 1898 विच रामकृष्ण मिशन दी स्थापना दे 1 साल पूरे होंदिया कलकत्ते विच प्लेग महामारी फैल गई। स्वामी जी जदों कलकत्ते विच अपनी बीमारी तो उबर रहे सन, उन्हां ने सारे सन्यासियां दे नाल नीलांबर मुखर्जी दे बगीचे वाले घर विच मीटिंग कीती। स्वामी जी ने जोर दे के अपने साथी साधुआं नूं कहा, असी सारे इत्थे रब दे नाते इकट्ठे होए हाँ, असी अपनी जान दी परवाह कीते बगैर
ਪਲੇਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੱਠ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਬ ਗਈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਲੇਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਯੰਕਰ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਰ ਭੈਣ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਸਾਰਦਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ। ਸੰਨ 1900 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੁਵਾ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਪ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਮ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਰੱਖਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਕਲਿਆਣਾਨੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਨਿਸ਼ਚਯਾਨੰਦ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਬਿਮਾਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਏ। ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਸਾਧੂਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪਿੰਡ ਮਹੁਲਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਅਖੰਡਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਵੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਆਸ਼ਰਮ ਸਾਰਾਗਾਚੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। 1897 ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨਿਕ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਸਹਿਸ਼ਣੁਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਲਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ June 12, 1897 ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਮੱਠ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 13 ਫਰਵਰੀ 1898 ਮੱਠ ਨੂੰ ਨੀਲਾਂਬਰ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਾਲੇ ਘਰ 48 Babu Sahar Road ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਮੱਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਸੀ। 3 ਫਰਵਰੀ 1898 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 4 ਮਾਰਚ 1898 ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਚਿਲੀਅਨ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਹੈਨਰੀਏਟਾ ਮੁਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਲੋਟ ਲਈ 39,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ 7 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਲਾਂਬਰ ਬਾਬੂ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਫਰਲਾਂਗ 'ਤੇ ਸੀ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਗਿਆਨਾਨੰਦ ਜੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪਾਸੇ 2 ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 1 ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ 1 ਵਰਾਂਡਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਨੇ ਦਰਖਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦਿਓਦਾਰ ਦੇ 3 ਦਰਖਤ ਮੱਠ ਦੇ 125 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਗਿਆਨਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਰਸੋਈ, ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਲਈ ਮੱਠ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1901 ਵਿੱਚ ਬੇਲੂਰ ਮੱਠ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ।
स्वामी ब्रह्मानंद जी नू दुर्गा पूजा तो 4-5 दिन पहला सुपना आया कि माँ दुर्गा दक्षिणेश्वर वल्लों गंगा जी नू पार करके बेलूर मठ विच आ रहे हन। देवी दुर्गा दी पूजा ग्रंथां विच वर्णित नियमानुसार कीती गई। गरीब लोकां नू पूजा दे सारे दिनां च रज के भोजन कराया गया। इहदा नतीजा ए निकलिया कि उस वेले दे रूढ़ीवादी हिंदू समाज दे लोकां नू विश्वास हो गया कि बेलूर मठ विच रहिंदे सन्यासी पक्के हिंदू सन। उस साल लक्ष्मी पूजा ते काली पूजा भी मनाई गई ते रिवाज मुताबिक अज तक भी मनाई जाती है। 1899 विच बेलूर मठ विखे पहली बारी श्री रामकृष्ण जी का जन्म दिवस मनाया गया। दक्षिणेश्वर मंदिर विखे 1881 विच इस शुभ दिवस में उन्होंने कुछ शिष्यों वालों मनान की प्रथा शुरू की गई सी। 1897 विच स्वामी योगानंद जी ने एक हवन अते प्रार्थना श्री माँ के जन्म तिथि वाले दिन आयोजित की। उस तो बाद 1920 विच जदों श्री माँ शरीर छड़ के चले गए तो बेलूर मठ अते श्री माँ दे घर बाग बाजार विखे ये त्यौहार हर साल मनाया जान लग गया। 1921 विच इस शुभ दिवस नू बेलूर मठ दे अंदर शारदा देवी दे मंदिर दा उद्घाटन किया गया। 4 जुलाई 1902 नू स्वामी जी अपनी दिनचर्या दियां सारियां गतिविधियां तो बाद शाम नू ध्यान लई बैठ गए अते समाधि विच लीन हो गए। 20 जनवरी 1903 नू स्वामी जी दा जन्म दिवस पहली वारी बेलूर मठ विच मनाया गया सी। 5 फरवरी 1905 नू कलकत्ते दी विवेकानंद सोसाइटी ने बेलूर मठ दे मैदान विखे भारी मीटिंग दा आयोजन कीता जिदे मुख प्रवचनकर्ता रविंद्रनाथ टैगोर सन। त्यौहार दे दिनां विच खासकर दुर्गा पूजा काली पूजा श्री रामकृष्ण श्री माँ अते स्वामी विवेकानंद जी दे जन्म दिवस ते बेलूर मठ अते रामकृष्ण मिशन दियां सारियां शाखावां वड्डी संख्या विच केंद्रां द्वारा खास धार्मिक प्रोग्राम आयोजित कीते जांदे हन। रामकृष्ण मठ अते मिशन वल्लों सेवावां विचार वटांदरां अते भाषण साधुआं वल्लों आध्यात्मिक विषयां ते दित्ते जांदे हन। श्रद्धालुआं लई धार्मिक गठन अते समागम सारे केंद्रां ते कीते जांदे हन। कई शाखावां वल्लों युवावां लई मनोरंजक धार्मिक अते सेवा प्रोग्राम भी कीते जांदे हन। श्री रामकृष्ण श्री माँ स्वामी विवेकानंद दियां शिक्षावां वेदांत धार्मिक अते दुनिया दे अनेका धर्मां ते आधारित किताबां 18 पब्लिकेशंस केंद्र वल्लों भारत दियां मुख भाषावां अते दूजे देशां दियां भाषावां विच छपियां किताबां धार्मिक जिज्ञासुआं दियां बहुत सहायता करदियां हन। सारियां शाखावां विच त्यौहार दे दिनां च सारे श्रद्धालु वध चढ़ के भाग लैंदे हन। सारे त्यौहारां ते खिचड़ी दा प्रसाद जरूर वंडिया जांदा है। साधु यह निश्चित करदे हन कि कोई भी खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किते बिना ना जावे। वड्डी संख्या वास्ते प्रसाद तैयार करन लई मिशन दे रसोई घर विच सारे आधुनिक उपकरण उपलब्ध हुंदे हन। खिचड़ी बिकम अ भोग। रामकृष्ण मिशन विखे दित्ते जाण वाले खिचड़ी प्रसाद दा कोई मेल नहीं है। वास्तव विच मठ दे पवित्र वातावरण दा खिचड़ी दे स्वाद ते डूंघा असर पैंदा है। भावे अमीर होवे जां गरीब सारे लोकी कट्ठे प्रसाद प्राप्त करदे हन। सेवा अते भगती दी भावना इस घर विच बिजोड़ है। खिचड़ी दे नाल नाल पायस खीर दा प्रसाद ते स्वाद भी अद्भुत असर पैंदा है। इस तरह रामकृष्ण मिशन दी पहली शाखा दी स्थापना हुई। 1902 नू समाधि तो कुछ घंटियां पहला ही स्वामी जी ने बेलूर मठ अते रामकृष्ण मिशन विच वैदिक शिक्षा दी शुरुआत दी इच्छा प्रगट कीती सी। इस सपने नू साकार करन लई
एक वेद विद्यालय 1993 विच बेलूर मठ च स्थापित किया गया, जिस विच विद्यार्थियों नू स्कूल तो ही वैदिक ज्ञान दिता जान लग पिया। प्राचीन समय विच जिस तरह गुरुकुल विच हुंदा सी, ए विद्यालय पूरी तरह रिहायशी हन ते विद्यार्थियों नू मुफत सिक्ख्या प्रदान करदे हन। इत्थे अनेक विषय पढ़ाए जांदे हन, जिन्हां विच व्याकरण, कविता, भाषा दा भेद, अध्यात्म, दर्शन शास्त्र, विज्ञान अते अंग्रेजी हन। स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश्ड द मिशन इन 1897। इन 1902, आफ्टर 5 years ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट, ही पास्ड अवे। सो नेचुरली वन मे वंडर, इज दिस द सेम रामकृष्ण मिशन विच हैज ट्रेवर्स्ड लॉन्ग 120 years? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में इस मिशन को स्थापित किया, 5 वर्षों बाद 1902 में समाधिस्त हो गए। ये स्वाभाविक है कि लोग सोच सकते हैं कि 120 साल बाद ही भी उल्लू रामकृष्ण मिशन है। सिद्धांतिक तौर पर असी बिल्कुल नहीं बदले, असी पहले वांग ही अपनी सेवावां दे रहे हैं, पर बाहरी तौर पर असी लोग बदल गए हाँ। यह बदलाव चंगे लिए ही है। 125 साल विच असी गिनती, आकार अते सेवा विच वध गए हाँ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के नाल ही उन्होंने साधुओं के मार्गदर्शन लिए नियम भी बना दिते सन, जिहड़े कि संस्था नूं सही दिशा विच चलान वास्ते ते रामकृष्ण अते स्वामी विवेकानंद दे सुपनियां नूं पूरा करन वास्ते दिशा निर्देश दिंदे हन। रामकृष्ण मिशन दिल्ली दा ए बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि इत्थे बड़े वड्डे वड्डे संत स्वामी रंगानाथानंद जी, स्वामी बुद्धानंद जी इत्थे रहे हैं। अज जदों मैं पिछले 50 साल पहले मुड़ के देखता वा, बहुत ही धन फील करता वा कि मैं रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद विचारधारा के संपर्क में आया। शिव भाव नाल जीव की सेवा, निस्वार्थ सेवा, सारे धर्मां दा सन्मान और उस तो बाद अपनी आध्यात्मिक उन्नति, तो असी ऐसी भाव दे नाल दिल्ली आश्रम की बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखिया हुई हैं। दिल्ली, पूरे दिल्ली नूं असी 80 सेंटर बनाए हुए हैं, जिथे हर हफ्ते या 15 दिनों विच कथा अमृत का पाठ, जिदे विच रामकृष्ण परमहंस जी दे बोले हुए शब्द सारे पढ़ते ने ते नाल उन्हां दे उपर मनन करते। ऐसी तरह यह सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आस पास गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद तक यह सारे सेंटर दिल्ली सेंटर तो ही कंट्रोल होते। ऐसी तरह जिहड़े सारे लोग दुनिया के संताप तो भरे हुए, साल में 2 बारी असी आध्यात्मिक रिट्रीट दिल्ली तो कुछ दूर असी अपने आश्रमों में या किसी शांत जगह पर 5 या 6 दिन वास्ते साडे दिल्ली से सैकटरी महाराज नाल जाते हैं। ऐसी तरह दिल्ली आश्रम एक टीबी हॉस्पिटल भी चलांदा है, जिथे कि गरीब लोगों नू जिहड़े टीबी तो पीड़ित है उन्होंने सारी निःशुल्क सहायता दी जाती है। The Ramakrishna Mission Delhi was started in the year 1927. We shifted to the present premises in 1931. The mission undertakes several activities in the areas of education, medical service, service to the poor, etc. Amongst other activities, in particular, I would like to tell the viewers रामकृष्ण मिशन दिल्ली 1927 विच आरंभ होया अते 1931 विच मौजूदा जमीन ते शिफ्ट किया गया सी। मिशन अध्यात्मिक, शैक्षणिक अते चिकित्सा सेवावां तो अलावा पिछड़े वर्ग वास्ते भी कई काम करता है। मैं खास करके आप सब नू साडे नैतिक शिक्षा कार्यक्रम दे बारे दसना चाहुंदा हां, जो कि पूरे देश विच अवेकेंट सिटीजन प्रोग्राम दे नां तों चलाया जांदा है। इस प्रोग्राम दे अंतर्गत कश्मीर तों कन्याकुमारी तक 6000 स्कूलों विच 40000 तों वध टीचर्स नूं ट्रेनिंग दित्ती जा चुकी है।
अतः इस प्रोग्राम ने लगभग 12 लाख बच्चियां के जीवन नु विशेष रूप नाल प्रभावित किया है। इस तो अलावा असी सामाजिक कल्याण वास्ते भी कई प्रोग्राम चलांदे हां, जिवें कि गदाधर प्रकल्प अते निशुल्क कोचिंग सेंटर इत्यादि। रामकृष्ण मिशन दा दिल्ली सेंटर समाजिक अते अध्यात्मिक गतिविधियां दा एक सक्रिय केंद्र है। मंदिर दा मुहर बुद्ध दे सांची स्तूप वर्गा है अते मुख द्वार अजंता दी गुफावां वर्गा है। मुख द्वार दे ऊपर दखनी भारत दे हिंदू मंदिरां वर्गियां उच्चियां मीनारां हन। खिड़कियां अते गलियारे उत्तरी भारत दे राजपूत अते मुगल अंदाज विच बनाए गए हन। मध्य दे गुंबद दी बनावट डुमो ऑफ फ्लोरेंस कैथेड्रल तों प्रेरित है। मंदिर दा मुख भाग बेहद शांत अते पवित्र है, जिस विच कोई भी भारी सजावट नहीं कीती गई, जो कि श्री रामकृष्ण जी दे आदर्शां नू दर्शांदी है। सफेद संगमरमर दे बने हुए कमल दे फुल उत्ते उन्हां दी मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर नू संगमरमर च तराशिया होया संगीत कहा जांदा है। सामने दे भाग सज्जे खब्बे अते उत्ते दे भाग विच हंसां दीआं आकृतियां बनियां होईआं हन, जिहड़े कि मशहूर कलाकार नंद लाल बोस वालों डिजाइन कीतियां गईयां हन। मंदिर दी स्थापना दा नींव पत्थर श्री रामकृष्ण जी दे जन्म दिवस March 13, 1926 नूं स्वामी शिवनंदा द्वारा रख्या गया सी। फंडां दी घाट कारण निर्माण कारज रुक गया सी। 5 सालां बाद मिस हेलन रूबिल, मिसिज एने वॉरसेस्टर, जिन्हां नूं मठ विच भगती अते अन्नपूर्णा कहा जांदा सी, वल्लों तन दी काफ़ी सेवा कीती गई। यह मंदिर 14 जनवरी 1938 नूं खोल दिता गया। स्वामी विज्ञानानंद जी, जो कि उस वेले प्रेजिडेंट सन, आप ही पुराने मंदिर तो ठाकुर जी दियां पवित्र अस्थियां दे कलश नूं लै के आए अते इत्थे स्थापित कीता। उस दिन तो लै के अज तक अनगिनत लोग मंदिर विखे हर रोज अपने दर्द ते मुश्किलां श्री रामकृष्ण जी नाल सांझियां करदे हन अते उन्हां दे आशीर्वाद प्राप्त करदे हन। आणि इथे येऊन मला खूप शांत वाटते आहे, सुख शांती समाधान वाटते आहे। रामकृष्ण मिशन हमारे पास आश्रय, रामकृष्ण मिशन हमारा लेल भगवान माता पिता एवं संसार सब कुछ हमारा लेल। இந்த இடம் ரொம்ப அமைதியாவும் ரொம்ப மனசுக்கு நிம்மதியாவும் இருக்கு। It's a ray of light where we get knowledge as well as wisdom। ओ अपने घर वापस शांत प्रेरित अते मन दी दृढ़ता नाल वापस परतदे हन। बेलूर मठ विखे सारे साधु अते श्रद्धालु नाट मंदिर विच घंटियां वजन की आवाज़ अते शंखनाद विखे संध्या वेले श्री रामकृष्ण जी की पवित्र आरती विच शामिल हुंदे हन। इस पवित्र आरती दे बोल खंडन भवबंधन ए शब्द वगदी गंगा दी हवावां नाल गंगा जी दे वक्ष तों टकरा के दूर तक फैल जांदे हन। इस आरती दी रचना स्वामी जी ने आप कीती अते पहली वार 1898 विच ठाकुर जी दे जन्म दिवस ते संध्या आरती वेले गाई। If it is pure yaman, only that scale। ए आरती केवल शुद्ध यमन राग उत्तर अते दक्षिण भारतीय रागां ते तालां ते आधारित नहीं है। ए एक बड़ा ही अद्भुत मिश्रण। आजकल दे आधुनिक अते पश्चिमी संगीत दी तरह एदे विच सुरां नूं बड़े सुंदर तरीके नाल पिरोया गया है, जिदे तो ऊर्जा पैदा होंदी है ते एदे विच एक अद्भुत आकर्षण। इस तरह तो यह एक वैश्विक रचना है। श्री रामकृष्ण जी दे जीवन सिद्धांता ने ना केवल मिशन अते मठ दे आदर्शां दी स्थापना कीती, बल्कि रामकृष्ण संघ नूं संस्था दा आकार दिता, जिहड़ी कि मठ अते मिशन दी मुढ़ली संस्था है। I must very clearly spell out the word। श्री रामकृष्ण जी दी सारी सिख्यावां दा निचोड़ उन्हां दे इस कथन विच है कि सारे धर्म सत ने अते सारे धर्मां दे उपदेश भी एक ही है। उन्हां ने सारे धर्मां नूं जी के वेख्या
श्री रामकृष्णा जी ने स्वामी विवेकानंद नूं ऐ सिख्या दित्ती कि इस सद्भावना दे सिद्धांत नूं सिर्फ धर्म अते अध्यात्म पक्षों नहीं बल्कि रोजमर्रा दी जिंदगी विच वी धारण कीता जा सकता है। रामकृष्णा मठ अते मिशन दा उद्गम अते विस्तार दैविक स्रोत तों ही होया है, जिस विच श्री रामकृष्णा जी ने सब तो अहम भूमिका निभाई। श्री मां स्वामी विवेकानंद अते उन्हां दे साथी साधु ते दूजे शिष्यां ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिता। 125 सालां तों श्री रामकृष्ण जी दे सिद्धांत अते आध्यात्मिक दृष्टिकोण दे प्रकाश विच स्वामी विवेकानंद जी दे हत्थां ने मिशन दे साधुआं वल्लों सारा कारज परोक्ष होके पूरन करवाया। गंगा माई 125 सालां दी इस यात्रा दी निरंतर एक शांत साक्षी रही है।